बाय बाय, लव यू। ए खाले बता, ओ बनानी खाना तू भी कर। शर्मा जी छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि एकदम से बारिश शुरू हो गई है। कोई भी चल रहा है साइड वॉक पे, इसको प्रॉब्लम हो रही है। तो रही नहीं है बारिश, तूने गोली डाली ऊपर पे। ओए चिका, बस आजा, कम आजा, आई लव यू, कम, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। हेलो हेलो एवरीवन, सुबह सुबह बाथरूम में ही भाई सब छोड़ने आया हूँ मैं इसको। यस, चलो मैं निकलती हूँ ऑफिस के लिए, गुड लक, लव यू। Thank you so 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 much Ishpreet. I think Ishpreet was going to another skyscraper station. तो मैं उसको अच्छे से मिल नहीं पाई. Thank you so much Ishpreet. Office जाके पढ़ूंगी मैं आपके लेटर. तीन घंटे में रिजल्ट आने वाला है तो मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। प्रॉब्लम क्या ना, एक कागज तक बाहर नहीं लेके जाने दिया जिसपे आपने रफ वर्क किया होता है, जिसपे मैंने लिखे थे, तो जो क्वेश्चन पेपर होता है वो भी बाहर नहीं लेके जाने देते। तो जिसपे मैंने लिखे हैं कि मैंने कितने क्वेश्चन करे हैं, मेरे वो हाथ में नहीं है, तो मैं कैलकुलेटर नहीं कर पा रहा दोबारा। सारे क्वेश्चन में मम्मा मैंने तीन तीन मिनट मतलब एक्स्ट्रा ही लगाए हैं, मेरे क्वेश्चन आंसर निकल गए। मेरे का मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा ध्यान से करियो। मैं हर पेपर हर क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आ भी गया निकल भी गया, मैं रिवर्स जाके देख रहा हूँ कि मैंने क्या लिखा है। बस मम्मा मैं बहुत टेंशन में हूँ, आ जाए अब रिजल्ट। अभी भी सिर्फ 10 बजे हैं मेरे ख्याल से, 10 बजे 11 बजे मैं काम कर रहा था बट मेरा टाइम ही नहीं पास हो रहा, मेरे को लगा मैं जिम चला जाऊँ। 11 बजने में 6 मिनट है, एग्जैक्टली 1.5 घंटे में मेरा रिजल्ट आएगा। मेरे से वेट जो है मैं सोच रहा हूँ, और चीकू को लगी शायद ठंड, तो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। मैं सोच रहा हूँ मैं सो जाऊँ, मेरे से उठा नहीं जा रहा। अब ये देखो इसको ठंड लग गई, ये मेरे को काम करने नहीं दे रहा है, मेरी गोदी में बैठा हुआ है कब से। मैं सोच रहा हूँ इसको कंबल में सुला दूँ, ठीक है अपने साथ, और मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूँ। 1 घंटे में मिलते हैं, चांद निकली हुई है। क्या चाहिए पापा, कितनी देर ऐसे कर रहे हो, सुलाने की कोशिश करो, सो ही नहीं रहे इसमें। चल मैं सोता हूँ, चलो चलो गेट इन, गेट इन, चलो गुड बॉय, आ रहा हूँ मैं भी। ये देखो ये कभी वापस नहीं आता ऐसे, आ रहा हूँ, आगे आगे आगे। बस थैंक यू सो मच, अभी मैं बस फोन करूंगा सबको। टिंकू पापा पास हो गए, इसकी तो बेचारे की बैटरी लो, इसको ठंड लगी, क्या हुआ है। सुबह उठा के मैं कीरत को छोड़ने गया तो पहली बार इसको कपड़े नहीं पहनाए थे, इसको ठंड लग गई शायद। नहीं यार थोड़ा बहुत ज्यादा ही इसको मेरी वो पता लग रहा है, इसको मेरी बॉडी हीट की जरूरत है। मम्मी को तेरी हग्गी पहले दोनों हग्गी डाल लेते हैं। आई लव यू मम्मा, आई लव यू फियांचे, आई लव यू, लव यू, लव यू। दोस्तों पास हो गया, मैं पास हुआ उसकी तो चलो खुशी है, बट 84 आए मेरे को इसकी ज्यादा खुशी है। वान बसर को कभी पीछे मुड़के ना देखना पड़े, आगे ही आगे चलता जाके। मैंने फोन में खोला, फोन में छोटी सी स्क्रीन में था, तो मेरे को पता नहीं लगा, मैं क्या है, मैं 84 क्या है, मैं पास कहाँ लिखा है वो बता तो मुझे। 84 की मम्मा मैं सच, तो मतलब जितने मैंने वो गारंटीड किए थे वो ठीक निकले मेरे। भगवान जी ने मेरी इज्जत रख ली कि जितने मैं आगे बाहर आके बोलता हूँ ना, कि इतने तो मेरे को पता ही नहीं ठीक है, वो कभी गड़बड़ नहीं हुई। हाँ गुड, कांग्रेचुलेशंस, 73 आए वो तो। शुक्र है भाई, जस्ट किडिंग बिचेस, गॉट 84। हेलो, जब रिजल्ट आ गया तो हर कोई कह रहा कि मैंने कहा था। ब्रदर गुड न्यूज आई? हाँ जी गुड न्यूज आ गई, जस्ट अभी खोला है। बताइए हो भैया कितने कितने नंबर आए? 84%। ओ बन्ने, वाह जी वाह, थैंक यू थैंक यू। सच बोलो ना,
दिल से खुशी होती है ना वो खुशी है यार। कीरत से फोन पे बात कर रहा हूँ, इतनी खुशी है। आप अभी तक सोच रहे हो कि फियांशु किस चीज में पास हुआ है, कौन सा वो एग्जाम है, क्या होगा, वो आपको आज शाम को बताऊंगा सेलिब्रेट करते हुए। पता लग जाएगा। बट मैं तो एक बात आ रहा हूँ, चीकू की बहुत तबीयत खराब है। तब ये चीकू को बिठाया ऐसे और ये हीटर चलाया गाइस, वो उसकी अल्ट्रा यम्मी वाली ट्रीट है वो भी नहीं खा रहा, वो स्टिक है वो भी नहीं खा रहा, खाना भी नहीं खा रहा। आज लंच करेंगे टैकोफिनो पे, लाइनअप छोटी है। आज मैं ट्राई करूंगी सुपर वेज बरीटो। ना वेजी रैप ले लिया है, और अब चलते हैं किसी व्यू पॉइंट पे बैठ के कहीं फियांशु से बात करूंगी। माय गॉड आई एम सो सो हैप्पी। बरीटो लेकर मैं पहुंच गई हूँ कनाडा प्लेस। यहाँ पे बैठ के स्पॉट ढूंढ के अब ना करूंगी लंच और सेकेंगे धूप, सेकेंगे विटामिन डी। स्क्रीन ऑलरेडी लगाया हुआ है सुबह से, अप्लाई वगैरह मैंने कुछ नहीं किया, मैं जगह ही नहीं डिसाइड कर पा रही। यहाँ बैठ जा, सामने ये है वो है व्यू। फियांशु ये तेरे को खाना चाहिए, This is really good, really, really good. Time to go back to the office. बाद रीच्ड सरी। दिन कैसे खत्म होता है पता ही नहीं चलता सच्ची। कल वेंसडे, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, दैट्स इट। मम्मा आ गई, चीकू की मम्मा आ गई। बहुत तबीयत खराब है इसकी। नो चीका भाग गया, इसको ठंडा रख। पापा कहने मेरा चीकू ठीक नहीं थी। और फिर आर यू प्राउड ऑफ मी? कांग्रेचुलेशंस, सेलिब्रेशन। मैं क्या किया सारा दिन? सोया। वाह, मैं तो आज गाइस इसका थोड़ी देर पहले फोन आया, मैं कहा हाँ मैं अभी बहुत नींद में हूँ, फिर उठाऊ फिर क्या किया, 20 गोलगप्पे खाए फिर से सो गया। इनमें से अभी किसी को बताया ही नहीं है कि किस चीज में पास हो। इनको क्या बताना है, अगला घर मेरे से लेना है। So guys, मैंने रियल एस्टेट का एग्जाम दिया था एंड आई हैव पास्ड दैट। आई एम वेरी 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 हैप्पी। बहुत सारी चीजें आपको बतानी है कि क्यों रियल एस्टेट का किया, कैसे प्लान बना। आई हैव बीन वर्किंग विद अ लॉट ऑफ रियल्टर्स फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, आई हैव बीन हेल्पिंग आउट। एंड जो इनिशिएशन ये हुआ था कि मल्टीपल चीजें हैं, एक तो मुझे वो सारा प्रोसेस बहुत अच्छा लगा जब मैंने देखा है कि किसी को, हमारे जैसे लोगों को, इमिग्रेंट्स को स्पेसिफिकली जब घर मिलता है वो हेल्प करना, और फिर जो खुशी होती है कि आपने हमारी जर्नी देखी थी कितना ओवरवेलम थे कीरत, तो वो चीज। सेकेंडली इट्स एन अमेजिंग 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 इंडस्ट्री टू वर्क इन। थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से मैंने हाँ कर दिया, वो ये था कि रियल एस्टेट में इफ यू आर नॉट लाइसेंस्ड देयर आर अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन यू। सो इफ यू आर लाइसेंस्ड, इवन इफ आई हैव टू वर्क इन marketing, even if I have to be on a face of a poster or something of that sort, मतलब जैसे मैं लोगों से काम करता था तो मेरे को हमेशा बैकएंड पे काम करना पड़ता था, so I could not ever come on the front because you are not licensed. So real estate में ऐसा चलता है, so उसके लिए मैंने license decide किया, and उसके लिए then I decided कि if I am gonna study for it, so I'm gonna get into it full time. So if you're looking for your next home, you can contact me on Instagram as of now. अभी बहुत सारी चीजें सोचनी है, बहुत सारी चीजें प्लान करनी है कि am I gonna get a new number, ठीक है, that will be available to all of you, और how I'm gonna do it, बहुत सारे logistics plan करने हैं. Most probably अगर आप Vancouver, Metro Vancouver से हो, so there might be a job opportunity too for someone who is very excited, who wants to work in real estate. And अगर आप उस stage पे हो जब आप real estate का exam लिखने वाले हो और आपको confusion आ रही है, feel free to shoot me a text. I'm gonna help maximum people that I can. थोड़ा सा उसका credit जाता है
है मेरे को, क्योंकि मैं उसको बोल रही थी कि दिस इज अ रियली गुड फील्ड बिकॉज मैं इसी मतलब कि रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड ही मेरी अकाउंटिंग की फील्ड भी है एंड आई हैव सीन कि इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत है एंड आई सॉ दैट पोटेंशियल बिग पोटेंशियल के फियांशु ऑलरेडी ही वॉज वर्किंग मतलब के फॉर द मार्केटिंग फॉर अदर रियल्टर्स तो वाई नॉट ही शुड परस्यू दिस ऑन हिज ओन एज वेल सो ये तो कीरत ने गाइस बड़े आराम से बता दिया बट मैं आपको एक बात बताता हूँ मेरे पीछे पड़ी रही है बाद में कहानी का मुझे दूसरा पहलू समझ में आया इसके पीछे पड़े रहे इसकी मम्मा मिसेस गिल इसको बोलते हैं कि फ्यांचू को करवा दे क्योंकि कीरत को पता था मैं जब नया ना कहना मेरे को कनाडा आए हुए अभी लिटरली बता रहा हूँ 3 साल होने में 10 दिन पड़े ठीक है एग्जैक्टली 9 दिन पड़े अब सो मेरे लिए पहले ये था कि मैं मार्केटिंग को एस्टैब्लिश करूं सेट करूं वहां से कॉन्ट्रैक्ट आने शुरू हुए फिर यूट्यूब वॉज अ वेरी आई वुड से नॉट अ पार्ट टाइम थिंग इट वॉज अ सेकंड जॉब इट स्टिल इज अ सेकंड जॉब तो यूट्यूब बहुत टाइम ले लेता है अभी मैं किसी से मिला था सबने मुझे कसम लगे एक एक बार तो ये कहा दैट यू विल डू वंडर्स बीइंग अ रियल्टर यू हैव दैट अप्रोच यू लव टू कम्युनिकेट विद पीपल यू आर हेल्पिंग एनीथिंग लाइक मेरे को सबने बोला मतलब बिल्लू अंकल ने भी बोला है को हरदीप मासी ने भी बोला था मेरे को गुरजीत जी ने तो जब मेरे से वो सेकंड टाइम मिले थे तभी बोला उन्होंने मुझे उस वक्त बोला मैं कहा नहीं नहीं गुरजीत जी अभी तो कोई ऐसा प्लान नहीं है गुरजीत जी मुझे कहते देखियो तू होगा ठीक है वहां से करते करते प्लान बना मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ ये प्लान मेरा फ्रॉम स्टार्टिंग दिस कोर्स टू गिविंग द एग्जाम एवरीथिंग वॉज डन इन लाइक 3.5 months मैंने जिस दिन फियांशु को ऐसे सीरियस होकर ओ हाँ एक और बात सुनो एंड फियांशु वॉज काइंड ऑफ फेड अप इसने अगले दिन ही पूरा फाइंड आउट किया कि कैसे देते हैं फुल टाइम इतना कुछ करके मतलब के पढ़ना पार्ट टाइम थोड़ा डिफिकल्ट चैलेंजिंग हो जाता है मुझे पता है कि स्पेशली फियांशु इतने सालों बाद पढ़ने लगा था 30 साल और पता है क्या पढ़ना पड़ेगा टू गिव द एग्जाम ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन पहले जैसे फियांशु पहले पढ़ता होता था कि 2-3 दिन पहले दिया और एग्जाम दे दिया कट ऑफ बहुत ज्यादा थी कि 70 चाहिए फिर जो नोन थे देवर नॉट एबल टू क्लियर इट इन द वन गो तो फिर वो प्रेशर बिल्डअप होता इस पूरी जर्नी में मैं टोटल 6 लोगों से मिला जिन्होंने एग्जाम दिए 3 मेरे नोन थे पास नहीं हुए 3 अननोन थे रैंडम लोगों को जिनको फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के थ्रू मिला वो सारे पास हो गए मे बी अ मोटिवेशन फियांशु टू This entire thing very seriously. अब अगर तू मेरे काम को देख ले तो मैं I've been changed काम के related तो मुझे पता ही था बस study के related I'm not seen this change at all ना. I am so happy. मैंने इसको बोला कहती मुझे तो पता ही था तो पास हो जाए मैं मेरी कसम खा के बोलते को पता था ठीक है यार मैंने बहुत मेहनत करी है मुझे पता है मैंने इसको कोई लाइटली नहीं लिया मैं दूसरी बार नहीं देना चाहता था मतलब आप ये लगा लो मैंने हर रोज का एक मॉक दे दिया होगा उठते जाते सोते मैंने कानों में हेडफोन लगा के रखे और मैं चैप्टर सुनता गया सो मैडम आपने अपनी जॉब की पार्टी दी थी मुझे हाँ दी थी कहाँ दी थी जॉब की पार्टी घर पे दी थी तेरे और मेरे बीच में वो जॉब की पार्टी घर पे क्या पार्टी हुई गरिमा आया कहती भैया आई एम गोना टेक यू आउट मैं पागल मैं पास हूँ आई एम गोना टेक यू आउट कहती नहीं नहीं आई एम गोना टेक यू आउट मैं तू अपने टाइम पे लेके जाइयो इस बार आई एम गोना गिव यू अ पार्टी आई स्वेयर अपॉन एनीवन रियल एस्टेट के काम में मैं दूंगा अपना बेस्ट और मैं लोगों की बहुत हेल्प करने वाला हूँ जो मेरी नेचर है जो मुझे पता है आई डू नॉट एवर वॉन्ट कि कोई कीरत की तरह ओवरवेल करे इस सिचुएशन में जल्दी से जल्दी आपको घर दिला देंगे बाकी आई एम वेरी एक्साइटेड गोलगप्पे के बाद हो रही है ब्लूबेरीज पे अटैक दोस्तों कह रही कैसी सेलिब्रेट मैं ऐसी क्या सेलिब्रेट 20 गोलगप्पे मैंने खाए तू नहीं खाए कहती मेरी नौकरी भी हमने ऐसी सेलिब्रेट की थी गोलगप्पे से विच आई रिमेम्बर तो मतलब मैं एक बात कहना चाहता हूँ हमारे घर में जितनी मर्जी बड़ी खुशी हो खाने गोलगप्पे ही हमने स्टे ग्राउंडेड चल मैं जिम निकल रहा हूँ 1.5 महीने बाद जिम के सारे डम्बलों को जाके पर हेलो करके आऊंगा कल चले जाओ ना अभी सेलिब्रेट करते हैं तू बता कैसे सेलिब्रेट करना है चिकू छोड़ के मोनोडील खेलते हैं मोनोडील तो सारी रात खेल दूं आज मैं तो उसके बाद जो आज मैं सारे दिन सोया हूँ कोई मूवी देखते हैं वो देखे बड़े मियाँ छोटे मियाँ लगी है शायद बट इसको नहीं छोड़ के जा सकता वो देखते हैं वो नई वेब सीरीज आई है उसकी सुष्मिता सेन की ताली तो ट्रांसजेंडर है मेरे ख्याल से तेरे को भी तो सुबह 5 बजे उठना है फिर से कल मिलते हैं अपा आई जस्ट वांट टू से तोंदू गोलगप्पे खा कह जे खुली पड़ी है बेल्टे है तोंदन मैं भी खाते गई खाती है मैंने कहा आधा डब्बा अगर ये ना बैठ सकता है तो मैं तो खाई यार मैंने मेपल सिरप डाला ऐसी थोड़ी तो मेरी बेटर हाफ है सुनना आधा डब्बा खा गई दैट वाज द बेटर पार्ट ऑफ द डब्बा इतना बड़ा डब्बा उड़ा गया ये मैंने मेपल सिरप डाला है हाँ इतना यम्मी बना है वो अच्छा हाँ तभी तो मैं तेरे को कह रही थी एक बार टेस्ट कर मैंने बहुत ज्यादा खाया है वो सेलिब्रेशन के लिए कोल्ड कॉफी बना रहा हूँ जिम कल से शुरू होगा लेके नहीं गया तू मुझे कहीं अब भी किचन साफ करी थी दोस्तों ये तो मुझे लग रहा है आपकी नजर लगी है और तो कुछ नहीं है हम कोई बात कर रहे थे कीरे कहते हैं हाँ फिर तो तेरी बॉल रोलिंग हो जाएगी बोला कुछ गलत नहीं है बट जिस तरीके से तूने बोला ना ये एक्स्ट्रा स्मॉल है
मेरा जो टोरंटो वाला फ्रेंड है वो घर पे आया था, वो कोट भूल गया अपना, मैं खुश हो गया, मैं कहा जब तक नहीं आता तो मैं पहनूंगा कभी कभी। मैं देखा एक्स्ट्रा स्मॉल है लड़के का, ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं तू? दोस्तों मैं आपको दिखाई देती हूँ इसने क्या किया है। अरे मैंने भी साफ किया बाबू, अभी वो छोड़िए देख पर तक, इतने भी नजरेलू नहीं है मेरे सब्सक्राइबर्स। हेलो नीचे भी है, आई एम रियली हैप्पी। फिर मुझे ज्वाइन कर रही है सुबह 10 बजे में एकदम बैंड बज जाती है। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे ज्वाइन कर रही है अभी तो एस्टैब्लिश कर फिर करूंगी। हे भगवान, वहां पे तुमको ऐसे ही ज्वाइन किया था, यू डिड समथिंग। आर यू ओके? दिखा एग्जाम पास हो तो गाइस प्यार आ रहा है। तू नाइट टाइम रूटीन में मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया था एक्सेप्ट फॉर द सिंक, बिकॉज डिश वॉशर खाली नहीं किया मैंने। सब्सक्राइबर पता क्या कहना चाहते थे, ओ लैन दे तू, चीनी में डाल रहे। कभी कर तो डालता हूँ मैं, मतलब कभी कर गया कोल्ड कॉफी में। नो वंडर क्यों मोटा हो रहा है तू, डोंट फैट शेम मी ओके। नो वंडर अभी जिम जाके करूंगा गाइस। Cheers, guys. मेरे को भी एक सिप दे दे। जब मैं बना रहा था तूने बोला कि मेरे लिए बना दे, मैं सिप चाहिए। इससे कभी भी पूछ रहा हूँ जब मैं बना रहा हूँ कि तूने पीनी है, कभी नहीं बोली थी, नहीं कभी नहीं। मेरे में से इसको चुंगे जरूर मारने, ये वाला पीस जोर लगा के पी, जोर लगा लियो। क्या आना चाहिए था, आइसक्रीम? कुछ नहीं आया, ये तो मत बोल कुछ नहीं आया, कोल्ड कॉफी तो गई है। दियो पूरा दबा के ना कोको पाउडर, अरे पूरा भर के। आई लव एवरीथिंग फ्रॉम कॉस्को। चल बाय, गुड नाइट गाइस, मैं तो जा रही हूँ, ये बाकी का गुड नाइट करेगा। गुड नाइट है मेरी तरफ से भी, तेरी तरफ से गुड नाइट। कल से जिम जाते हुए देखोगे। द बेस्ट कह दो फियांचू को इस न्यू जर्नी के लिए। आइसक्रीम आइसक्रीम क्यों, एक बाइट तो दे दे, एक सिप दोगी तेरी। जब मैं बोलता हूँ तेरे लिए बना लू अलग से तब मना कर देगी, चाहिए क्योंकि पूरी। फिर अभी क्यों पीनी है, अगली बार बोलेगा थोड़ी सी बना दे, मैं तेरे मिनी शेक बना दे करूंगा बस। नहीं बोला कर, जब भी बोलेगी तब बनाऊंगा तेरे लिए, अगर घर में इतना होगा तो सिर्फ तुझे दूंगा, ये भी वादा रहा। मैंने क्या कहा, नहीं नहीं मैं तेरे को क्या कह रहा हूँ, मैं जो बोल रही ना मैं वो भी बता देता हूँ। मैंने इसके लिए और अपने लिए खाना बनाया, ठीक है, ये बीच खाने में वॉशरूम चलेगी, मेरे को भूख लग रही थी तो मैंने दो बाइट जाना था, तूने घर रहना था, घर तेरा था, ऑफिस नहीं जा रहा था, झूठी यार, इसने घर रहना था, मैंने इसके खाने में से दो बाइट ले ली, इसने आके लड़ाई कोई काम नहीं कर रही, घर का काम कर रही थी, मुझे याद है घर कुछ तो कर ही रही है कि जी रही थी, तू सांस ले रही थी, मेरे को पता नहीं है, छोड़ो यार क्या बंदी है ये। बाय यार, कल मिलते, लव यू गाइस।